विकासखंड ऊंचा गांव क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में मंदिर के समीप जा रहे रास्ते पर काफी दिन से नालियां अवरुद्ध होने के कारण जल भराव हो गया, जिससे गंदा पानी फैलकर तालाब का रूप ले रहा है, जिसकी शिकायत गत दिनों ब्लॉक से लेकर जिला प्रशासन से की जा चुकी है, लेकिन आज तक इस रास्ते की समस्या को लेकर अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। गांव रघुनाथपुर निवासी शिकायतकर्ता का कहना था कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी शिकायत की है, लेकिन ब्लॉक पर प्रशासन ने गलत निस्तारण कर शिकायत को बंद करा दिया। और उन्होंने बताया कि रास्ते के समीप में मंदिर है, जिसमें पूजा करने के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। नाली अवरुद्ध होने पर रास्ते पर जल भराव हो गया, साथ में कीचड़ जमा हो गया, जिससे आए दिन ग्रामीण फिसल कर गिरते रहते हैं और चोटिल भी हो चुकी हैं। इस जलभराव के कारण मच्छर पैदा हो गए एवं वातावरण दूषित हो गया, जिससे आम जन का जीना मुश्किल हो गया। ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत एवं उपखंड अधिकारी व आला अधिकारियों से अवरुद्ध नालियों एवं रास्ते की सफाई करवाने की मांग की। मंदिर से दीवार लगभग 50 मीटर है, जो जलभराव होने से मंदिर की दीवार और मंदिर क्षतिग्रस्त हो रही है। गनीमत ये रही कि अभी तक कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने समस्या को लेकर कई बार पंचायत और प्रशासनिक अधिकारियों से मांग कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कई बार की गई शिकायत, लेकिन नहीं हुई कार्रवाई। पहली शिकायत डायल 1076 पर 2019 की थी, दूसरी शिकायत 25 दिसंबर 2020 विकासखंड अधिकारी से थी, आज तक नहीं हुआ निस्तारण। तीसरी शिकायत 2 जनवरी 2021 में स्थानीय विधायक व ब्लॉक प्रशासन को दी थी, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ। चौथी शिकायत 29 जनवरी 2022 जिलाधिकारी को लिखित की संख्या 1287 है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पांचवी शिकायत मई जून के महीने में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से विकास अधिकारी बुलंदशहर को पत्र भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। छठवीं शिकायत 29 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखित शिकायत दी गई, मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।